got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just... So welcome guys, स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। आज हम यहाँ फिर से बात करेंगे लॉन्ग जंप के ऊपर। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लॉन्ग जंप जो डिपेंड करता है, सबसे पहले होता है रनवे। जो रनवे आप वहाँ से आएंगे, ये करीब आपका होना चाहिए 20 से 25 मीटर, मैक्सिमम 30 से 35 मीटर होता है। पर अगर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नॉर्मल 25 मीटर काफ़ी है, ओके। और जो रनवे के बाद जो उसके बाद सेकेंड में आता है, उसके बाद आता है टेक ऑफ। इसको बोलते हैं टेक ऑफ बोर्ड। टेक ऑफ बोर्ड में आपको इसके अंदर से मारना पड़ेगा, इसके बाहर जाएंगे तो आप फॉल हो जाएंगे, नॉर्मल सा बात है। उसके बाद होता है साइकिलिंग, आपको वीडियो में दिख रहा होगा साइकिलिंग किसको बोलते हैं। और आखिरी में होता है लैंडिंग। तो ये लॉन्ग जंप में आपको चार फेज से गुजरना पड़ेगा, रनवे, टेक ऑफ, साइकिलिंग और उसके बाद लैंडिंग, ओके। तो आज हम बात इसकी भी करेंगे। आप एक चीज़ देख रहे होंगे तो सोचेंगे कि है क्या, जो पहले से जानते हैं इसको बोलते हैं हर्डल। अगर आपके पास इस टाइप के हर्डल है, देखो हमारे पास और भी हर्डल है उस टाइप के, तो इसमें क्या है, इसमें आपके जो जंप का जो प्रोसेस है वो तो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम हर्डल का क्या क्या यूज कर सकते हैं लॉन्ग जंप में। इसका यूज आप हाई जंप में भी कर सकते हैं, 100 में भी कर सकते हैं, और बहुत सारे होते हैं मतलब ये एथलीट के फील्ड, उसमें आप आराम से हर्डल का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे हर्डल का। हर्डल का यूज अपन स्टार्ट करेंगे अभी साइकिलिंग के लिए, कि अब साइकिलिंग होती कैसी है। तो बोलते थे कि साइकिलिंग सिखाओ, लेकिन साइकिलिंग सीखते कैसे हैं। तो इसके इस स्टेप से 1 2 3 4 करके अपन लगेंगे, यहाँ लगाएंगे हर्डल, उसके ऊपर से हम ये जंप करेंगे। और जंप का भी अलग अलग पैटर्न होता है, अभी मैं दिखाऊंगा पहला जो साइकिलिंग पैटर्न होता है उसको बात करेंगे, ओके। गाइस इस तरीके के आपको नॉर्मल हर्डल करना है यहाँ पर, ये साइकिलिंग के लिए काम आता है, ठीक है दोस्तों। इसको आप बारीकी से देखिए, इस टाइप का जंप होता है। फर्स्ट nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety. तो दोस्तों अभी आपने सीखा था कि साइकिलिंग कैसे करते हैं। अब यह है कि आपने जो ये जो हर्डल है उसमें जो था आपका सिंगल लेग निकलता था इस टाइप से, वो साइकिलिंग का था जो प्रोसीजर था। इसमें आपको हाई जो जंप करना है, मतलब स्ट्रॉन्गली जो लैग उठेगा, इसमें आपको बहुत जंप करना है, दोनों लैग से डायरेक्ट निकलना पड़ेगा। वीडियो में आप देखना, आसान तरीके से आपको बतला रहा हूँ मैं। नॉर्मल इस तरीके से आएंगे, और ये वन, फिर सेकेंड में फिर आएंगे टू, फिर थर्ड में फोर। एक्सरसाइज करिए, सामने से आ रहा हूँ, सामने का पूछ कैसा होगा। वन, नेक्स्ट टू एंड लास्ट फोर, ओके कट। तो गाइस अब अपन जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो जंप है तीसरे नंबर का हर्डल में, जो थर्ड वर्कआउट है, इस बार हम सामने साइड से आ करके बॉडी को इस तरीके से पुश करके इस पर गिराएंगे। आप देखिएगा जंप, फर्स्ट वन, फिर सेकेंड टू, फिर थर्ड, इस प्रकार से आपको जंप करना है यहाँ पर कर दे। तो दोस्तों जो चौथे नंबर का है आपका हर्डल वर्कआउट, इसमें आपको क्या करना है, हल्का सा स्टेप लेके आना है और यहाँ से बहुत जंप करना है, बहुत ले करके, और यहाँ पे बिना स्किप किए डायरेक्ट जो जंप आएगा ऐसे करके डायरेक्ट आपको सेकेंड जंप लेना है। आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं। इसमें क्या होगा, आपका जो टाइमिंग है पैर को जमीन रखने का, उसमें सुधार आएगा।
स्प्रिंग टाइप का रहेगा पैर आपका, वीडियो में देखिएगा आप नॉर्मल कुछ इस टाइप के आपको जंप करने पड़ेंगे। ओके तो दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है इतना आज के वीडियो में काफी है, लेकिन अब आप सोचोगे कि आप ये जो हर्डल है दिखा, पूरा दिखा वो पूरा दिखा हर्डल, दिखा हर्डल जितना भी हर्डल है यहाँ गाइस, हर टाइप के छोटे बड़े हर्डल यहाँ पे रखे हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हर्डल आप कैसे एफर्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं रहता है, ये जो हर्डल है ना ये पाइप है, जो पाइप आता है नल पाइप में मार्केट में, जैसे कि आप जाओगे तो आपको 200 में मिल जाएंगे। इसका जो लॉक सिस्टम है, एक लॉक, दो लॉक, तीन, चार, ये 20-25 रुपये में आएंगे। तो आप नॉर्मल उसको क्या कटिंग करके फिट करके एक नॉर्मल अपने हिसाब से जो क्षमता है आपकी, छोटा बड़ा मिनी हर्डल बिग हर्डल बना सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, अगर आपके पास ये रहेंगे ना तो आपको जंपिंग फील्ड में, वो लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, 100 मीटर हो, इससे बहुत से फायदे मिलेंगे। आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल में हर्डल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये पॉसिबल है। और कोशिश करिएगा कि लकड़ी का हर्डल ना बनाए, ना ही लोहे का बनाइए, क्योंकि इसमें लगने का चांस रहता है, अगर इसमें आप गिरोगे तो नॉर्मल ये ऐसा हो जाएगा। ओके तो मतलब उतना रिस्क नहीं है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये जुड़ जाएगा, इसका पैर भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। अभी निकल भी रहा है, टाइट हो गया है, ठीक है। तो जो मैंने आपको वर्कआउट बताया थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन आपको जल्दी इम्प्रूवमेंट करना है तो आप इस प्रोसीजर को जल्दी अपनाएं। और अगर किसी को ट्रेनिंग करना है यहाँ पर, तो मेरा जो एड्रेस है छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा, मेरा मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा वहाँ पे, आप यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ ट्रेनिंग 2-3 टाइप की होती है, और आपको यहाँ हाई जंप के लिए गद्दा भी अवेलेबल है अभी, जो कि अभी हर भर्ती प्रोसीजर में हाई जंप के लिए गद्दा अवेलेबल कर दिया गया है, उसका वीडियो जल्द ला दूंगा। ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।